गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 27। आज जो हमारा लेक्चर है वो है 27 नंबर का। इसमें फिर से हम आते हैं जो पेज नंबर 40 है उसी में ही आपको आ जाना है, और इसमें भी जो है आपकी प्रैक्टिस दे रखी है, प्रैक्टिस नंबर 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस की, लेकिन टाइप 3 की है जो इंटरोगेटिव था। अब वो टाइप 3 क्या थी आप देखो 39 पेज पे, जो टाइप 3 यानी कि डू या डस को हम स्टार्टिंग में कर रहे थे और सब्जेक्ट को पीछे कर रहे थे, तो ये टाइप 3 के, इससे कुछ प्रैक्टिस 4 है। तो प्रैक्टिस 4 में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव जिसको आई से बताया जाता है, तो इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो जॉक्स हैं उसको समझेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने हैं ये पिक्चर, जैसे ये है सामान्य वर्तमान काल जो है टाइप 3 यानी कि इंटरोगेटिव, यानी कि आई का सिंबल जो होता है वो इंटरोगेटिव का होता है। अब इसको आप समझें, सबसे पहला पिक्चर, इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या समझेंगे आप इस पिक्चर को देखते हुए? एक लड़का है, एक लड़की है, ऐसा इमेजिन कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे जो आपका सेंटेंस दे रखा है, मेनली इसको ट्रांसलेशन क्या होता है ये हमें ट्रांसलेशन सीखना है कि किस तरह से हम क्या ट्रांसलेट करते हैं, ये आपको सीखना है। देखो, तुझे अंग्रेजी लिखना पसंद है क्या? अब ये जो है ये लड़की इस लड़के को ऐसा बोल रही है, या फिर ऐसा मान लो कि इसके हाथ में तो ये इससे पूछ रहा होगा, ऑब्वियसली ये लिख रहा है तो ये इससे पूछ रहा है, ऐसा कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। पिक्चर में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही चीज़ इमेजिन करें। सी द पिक्चर एंड मेक द स्टोरी वाली आपने, फिफ्थ क्लास वाले बच्चों ने तो पढ़ी होगी, एग्जाम्स वगैरह में भी आती है, जिसमें आपको इमेज देखना होता है और इमेज को देखते हुए आपको स्टोरी बना देनी, वो आपकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, आपके वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे ठीक है, ये लड़का इस लड़की को पूछ रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि तुझे अंग्रेज़ी लिखना पसंद है क्या, यानी कि सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, यानी जवाब की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, क्या या तो सेंटेंस के पीछे होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या तुझे अंग्रेज़ी लिखना पसंद है, तो भी जवाब यस और नो में ही आता है। क्लियर, उसका जवाब जो मिलता है यस और नो में ही मिलता है। तो आप क्या करेंगे, क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें आपको पता है डू या डस को आगे करना, तो अभी हमें पता नहीं तो इसकी थोड़ी सी मार्जिन, यानी कि हम इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ये यहाँ पता नहीं है डू आएगा डज आएगा पता नहीं। अब हम काम करते हैं सब्जेक्ट को सर्च करने का, कि हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब सब्जेक्ट निकालने के लिए पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम हिंदी का पूरा प्रश्न पढ़ते हैं और उस पर एक सवाल पूछते हैं कौन, अगर कौन से जवाब नहीं मिले तो फिर आपको पूछना है किसने, तो आपका क्या निकल जाएगा, सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए पूछते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं था, हमने स्पेस छोड़ दिया, डू आएगा डज आएगा कुछ भी पता नहीं है, ये डू या डज डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट क्या है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट निकालने की पूरा प्रश्न पढ़ो, तुझे अंग्रेजी लिखना पसंद है क्या, किसे, कौन सेट नहीं हो रहा, किसे, तुझे, तो तुझे के लिए
सब्जेक्ट हमने ले लिया, जो स्पेस छोड़ी उसके आगे हम लिखेंगे यू, क्योंकि आगे क्या आएगा, डू या डज आएगा, क्योंकि क्या शुरुआत या लास्ट में आता है, तो इंटरोगेटिव कैटेगरी कहलाती हैं ये। अब हमें पता चल गया यू के साथ क्या लगता है, डू, तो हमने जहाँ स्पेस छोड़ी थी, नहीं यू के साथ आएगा क्या, उसके लिए हम पूर्ति करते पीछे हैं, प्रेजेंट, पसंद, ये मतलब पसंद करते हैं क्या, तो आपको पता है या तो नोट वाले हो यानी कि नेगेटिव हो, या कोई प्रश्न पूछने वाले हो, कुछ भी हो, या तो नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, उनके आगे हम डू या डज ही यूज़ करते हैं। केवल अफर्मेटिव में ए सी एस और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, बाकी टाइप टू से लगाकर टाइप सिक्स तक डू डज ही चलता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, आपको डू डज ही चलाना है। तो आपको पता चल गया यू है तो आप डू लगा दीजिए, पसंद है, पसंद को क्या कहते हैं, लाइक, फिर देखो लास्ट से आगे चलते जाओ, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लेके आपको पीछे से आगे चलना और कुछ नहीं करना, ना आ रहा है तो ना के लिए आपने क्या लगा दिया, टू, लिख, लिख के लिए राइट, अंग्रेजी इंग्लिश, कितना इजी वे बन गया। और डू यू लाइक टू राइट इंग्लिश, क्या तुझे अंग्रेजी लिखना पसंद है, या इसको ऐसे कह सकते हैं तुझे अंग्रेजी लिखना पसंद है क्या, तो ये जवाब देगी या तो यस में देगी या फिर नो में, यस नहीं होता, यस, ये यस नहीं होता है, इसको हम यस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं, यस, ओके। चलिए अब आगे की इमेज देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है, हो, तो ये मान लो ये ब्रदर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो जैसे इसमें एक सेंटेंस है, क्या आगे भी लगा सकते हो, क्या पीछे भी लगा सकते हो, कहीं भी आप लगा सकते हो, ओके। तो चलिए क्या है ये, ये लड़का जो है ये इस लड़की को इसके बारे में पूछ रहा है, सेंटेंस है, वह तुझसे प्रेम करता है क्या, अब क्या से शुरू हो रहा है, लास्ट में है, फर्स्ट में हो तो हेल्पर की जगह छोड़ दो, क्या करना है आपको, हेल्पर की क्या करनी है, जगह छोड़ देनी है, फिर पूरा प्रश्न पढ़ना है, वह तुझसे मोहब्बत करता है क्या, कौन वह, तो सब्जेक्ट लगा लो, अब वह आया है तो डज लगा लो ता है से, ओके, और फिर मोहब्बत करना, ये वर्ड है आपका लव, और तुझसे तो यू, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा लग जाएगा, तो ये इजी वे में ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब ये डॉक्टर हैं, ये पेशेंट हैं, ये कुछ बीमारी होगी इसको, तो ये डॉक्टर इसको कह रहा है कि तू सिगरेट पीता है क्या, तू यानी कि धूम्रपान करता है क्या, स्मोकिंग करता है क्या, यानी कि यस और नो में जवाब देगा कि हाँ मैं करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता हूँ, तो इस तरह से जवाब पूछने की तलाश में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है, क्या आगे पीछे आ रहा है, आगे हेल्पर की जगह छोड़ दो, फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो, तू धूम्रपान करता है क्या, कौन तू, तू कौन किया, तो यू निकल गया, ठीक, फिर सेंटेंस के पीछे ता है तो सिंपल प्रेजेंट, और प्रश्नवाचक है नेगेटिव, डू या डस का यूज़ करते हैं, तो यू है तो आगे जहाँ जगह छोड़ी वहाँ पे डू लगा देंगे, और धूम्रपान करने को क्या कहते हैं, स्मोक, तो डू यू स्मोक, ये इससे पूछ रहा है तो स्मोकिंग करता है क्या, ओके। चलिए ट्रांसलेट करना, अब आगे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, अब देखो आपको बताया क्या को आगे भी लगा सकते हैं, क्या को
पीछे भी लगा सकते हैं। इसमें आप देखो तो क्या सेंटेंस के पीछे आ रहा है, और इसमें देखो आप क्या कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के आगे आ रहा है। यानी क्या आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। क्लियर? चलो अब इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है क्या आगे पीछे आता था, हम हेल्पर की थोड़ी मार्जिन या स्पेस छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं कौन सी हेल्पर लगेगी, डू लगेगी, डज लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, एज लगेगा, हैव लगेगा, डिड लगेगा, विल लगेगा, शैल लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा, पता नहीं कौन सी हेल्पर लगेगी, तो हम क्या करते हैं स्पेस छोड़ देते हैं। फिर हम पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालते हैं, सब्जेक्ट की तलाश में चलते हैं। तो क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, ये क्या दो बार लग गया है, आप इसको एक ही बार मानेंगे, इसको आप काट दीजिए। तुम अंग्रेजी समझते हो क्या, या फिर क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, तो कौन तुम, कौन किया, तो आपका सब्जेक्ट निकल के आ गया। फिर हम टेंस की पहचान देखते हैं, हो मतलब प्रेजेंट, ते मतलब सिंपल, तो माइंड में क्या क्या आ रहा है देखो, एस, ईएस और फर्स्ट फॉर्म, तो अफर्मेटिव टाइप वन के लिए, और टाइप टू से लगाकर टाइप सिक्स तक आपको क्या करना है, डू डज यूज़ करना है। तो हमारा ये जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि टाइप फोर है, तो हमें क्या करना है, डू डज को यूज़ करना है। तो हमें जहाँ यू के साथ क्या आएगा, डू, तो जहाँ स्पेस छोड़ी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू। फिर आ जाओ पीछे, समझना, समझने को क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड, अंग्रेजी, इंग्लिश, ये यू पहले हो गया, क्या, तो ये लो क्या, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। ओके, बहुत ही इजी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई भी बिना फॉर्मूला। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी इंग्लिश में आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊँगा, एक भी सूत्र नहीं बताऊँगा, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हमें वो लोग इंग्लिश सिखाने लगते हैं जिनको खुद इंग्लिश बोलना नहीं आती है, जो कोई एक घंटे के लिए स्पीच देने का बोल दो तो पता नहीं क्या क्या हालतें हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जो वेल ट्रेंड फैकल्टी होती है, वेल ट्रेंड कोई भी ट्रेनर होता है, चाहे साइंस का, मैथ्स का, उसी से आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है। ओके, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे लेक्चर को देखते जाना है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। ये तो अभी शुरुआत हो रही है, हम गेट लेवल के अंदर आपको कुछ ग्रामर के पोर्शन के डाउट्स वगैरह, टेंसेस, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरी लाइफ उनको ग्रामर के टेंस समझ में नहीं आते हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। चलिए अब ये एक सेंटेंस है, क्या तुम्हें सेवफल पसंद है, इसका मतलब क्या तुम सेवफल पसंद करते हो, ये अर्थ आएगा। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। अब क्या आगे आ रहा है, हेल्पर की जगह छोड़ दो, फिर सब्जेक्ट निकालो, पूरा प्रश्न पढ़ो, तुम्हें क्या तुम्हें सेवफल पसंद है, किसे, तुम्हें, तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू, जहाँ जगह छोड़ी उसकी पूर्ति कर लेते, पीछे हैं प्रेजेंट, ता है पसंद करते हो क्या, ऐसे ही सेंसेस का निकलेगा। तो ए सी एस फर्स्ट फॉर्म तो टाइप वन के लिए, बाकी डू और डस जो आता है टाइप सेकंड से लगाकर टाइप जो है आपका सिक्स तक है, वो इसी में चलता है। तो अभी हमें डू डस लेना है, तो जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी वहाँ पे हम क्या लगा, यू आ रहा है तो यू प्लूरल है तो डू आ जाएगा। पसंद को क्या कहते, लाइक, सेफल तो एप्पल, एप्पल कितना है हम डिटरमाइन करते हैं, कि ये तो एन एप्पल, आर्टिकल में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे एन क्यों लगा है। ओके, चलिए तो ये थे इस क्लास से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन, अब हम देखते हैं कि इसके जो जोक्स है वो जोक्स क्या है। मिस्टर राने और मिस्टर काले दो लोगों के बीच में बातचीत है, और हमें हाईलाइट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप थ्री यानी कि इंटरोगेटिव का डू और डस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, चलिए तो प्रश्न से ही शुरुआत होगी इसकी। मिस्टर राने पूछ रहे हैं, डज योर सन स्मोक, क्या आपका लड़का स्मोक यानी कि धूम्रपान करता है,
सिगरेट पीता है? मिस्टर काले, नो ही डजंट, नहीं वो नहीं पीता है। फिर मिस्टर राणे बोल रहे, डज ही ड्रिंक, क्या वो ड्रिंक करता है, वाइन पीता है? मिस्टर काले, नो ही डजंट, नहीं नहीं वो नहीं पीता है। फिर मिस्टर राणे बोले, ओ हाउ नाइस, हाउ ओल्ड इज़ ही, तो वो कितने साल का है? वो स्मोकिंग नहीं करता, ये भी अच्छी आदत है। वो ड्रिंक नहीं करता है, ये भी अच्छी आदत है। तो वो कितने साल का है? तो बहुत ही अच्छी बात है, कितने साल का है? तो मिस्टर काले के, 9 months old, 9 महीने का ही तो है। अब 9 महीने का बच्चा ना तो स्मोकिंग करेगा और ना ही ड्रिंक करेगा। तो इस तरह से जोक्स हैं। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस डज, क्वेश्चन मार्क, फिर डजंट, डज, क्वेश्चन मार्क, डजंट, ओके। तो ये हाईलाइट आपको कर लेना है। नेक्स्ट, अगला जोक क्या कह रहा है? कस्टमर और शॉपकीपर से रिलेटेड भी बहुत सारे जोक्स बनते हैं। देखो इसमें क्या है, कस्टमर कह रहा है कि डू वी गेट ऑल स्टेशंस इन दिस रेडियो। अभी वो रेडियो खरीदने गया दुकान पर कस्टमर, तो वो दुकानदार से पूछा, डू वी गेट, क्या हमें मिलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डू वी गेट ऑल स्टेशंस इन दिस रेडियो। अगर मैं ये रेडियो आपकी दुकान से लूँगा तो क्या मुझे सारे स्टेशन, रेडियो स्टेशन मिलेंगे, लाइक 94.3 और बिग FM और वो सारे स्टेशन ऐसे मिलेंगे क्या? तो अभी शॉपकीपर देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है, यस, हाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ के, अब एक यहाँ पे एक नया वर्ड आया है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट मतलब होता है किसी को छोड़कर, किसको छोड़कर, रेलवे स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन। हाँ जी, आप ये रेडियो ले लीजिए, आपको सारे स्टेशन मिलेंगे इसमें, 94.3 भी मिलेगा, बिग FM भी मिलेगा, रेडियो मिर्ची भी मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा उस कौन कौन से छोड़ के, तो रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा और पुलिस स्टेशन इस रेडियो में नहीं मिलेगा, ओके। जोक हैं, तो देखो डू आ रहा है, एक्सेप्ट, चलो ठीक है। तो इसमें एक ही था, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर काफ़ी टेंस बनते हैं, काफ़ी सेंटेंस बनते हैं। तो देखो क्या है जोक, वाइफ कहती है, टेल मी द नेम ऑफ द टेंस, आप मुझे इस टेंस का नाम बताइए। उसके हस्बैंड से पूछती है, आप मुझे इस टेंस का नाम बताओ, आई एम ब्यूटीफुल, ये कौन सा टेंस? वैसे ही एम आ रहा, तो ये प्रेजेंट का इंडिकेशन है। तो हस्बैंड कह रहा है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस है। इसका मतलब अब ये एक जॉक के लिए लिया है, इसमें कहा है कि आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, ये कौन सा टेंस है? तो हस्बैंड को कहना चाहिए प्रेजेंट टेंस, जबकि क्या कह रहा, पास्ट टेंस मतलब पहले सुंदर थी, अब नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या है, ये जॉक्स दिए हुए हैं। अब टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड, समझ लीजिए कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं। तो क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या जवाब हैं? देखो मैं आपसे मान लो पूछता हूँ, टीचर आपसे, तो डू यू स्मोक, तुम स्मोकिंग करते हो, सिगरेट पीते हो क्या? आप कह रहे नो आई डोंट, नो मैं नहीं पीता हूँ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना, डू यू च्यू टोबैको, टोबैको मतलब होता है तंबाकू, डू यू च्यू टोबैको, क्या तुम टोबैको यूज़ करते हो क्या? तो आप कह रहे नो आई डोंट, मैं नहीं करता हूँ सर। फिर मैं आपसे पूछूँगा, डू यू प्ले कार्ड्स, क्या तुम ताश खेलते हो, प्ले कार्ड्स मतलब ताश खेलना, ओके, क्या तुम ताश खेलते हो क्या? तो फिर स्टूडेंट कहते हैं नो नेवर, मतलब नहीं कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। तो फिर मैं आपसे पूछूँगा, देन वॉट डू यू डू, तो फिर आप क्या करते हो? तो फिर स्टूडेंट बोलता है, आई जस्ट टेल लाइज, मैं केवल झूठ बोलता हूँ। इसका मतलब मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, मैं टोबैको भी, तंबाकू भी यूज़ करता हूँ, ताश भी खेलता हूँ, ये इस तरह से ये जोक है। तो अब आप इसमें हाईलाइट कीजिए, सिंपल प्रेजेंट में एक तो ये प्रश्न पूछा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल, पूरा ही सिंपल प्रेजेंट का ही आंसर दिया, तो अभी ये सिंपल प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बुक में इनको हाईलाइटेड करना है, ओके। चलिए अब यहाँ पे कुछ थॉट लिखे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो थॉट क्या है। देखिए पहला जो थॉट है वो है,
वरी, पहले इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। वरी का मतलब क्या होता है? वरी चिंता। इज है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा। इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समान है, उसके जैसा है। ओके, टू फ्यूनरल पायर, इसको पढ़ेंगे फ्यूनरल पायर। अगर आपको प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, फ्यूनरल 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 फ्यूनरल, पायर 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 पायर, फ्यूनरल पायर मतलब अंतिम संस्कार। यानी कि पायर का मतलब होता है एक चीता, कोई डेड बॉडी मर जाती है और जो जलाया जाता है वो चीता, चीता को कहते हैं पायर। और फ्यूनरल पायर एक अंतिम संस्कार होता है, यानी चीता को जलाना, ये फ्यूनरल पायर होता है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे, वरी इज इक्विवेलेंट टू फ्यूनरल पायर, यानी कि जो चिंता होती है वो चिता के समान है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, लेक्चर्स अच्छे से सीखना है, क्योंकि आप चिंता करोगे तो चिता बन जाएगी। ओके, चिता में तो सभी जल जाते हैं। एक बहुत ही मेरा फेवरेट थॉट यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, और ये फेवरेट थॉट क्या है, यू नो, ये भी सिंपल प्रेजेंट का, यू नो, आपको पता है, आप जानते हो, यू आर वन इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में एक हो। ऑब्वियसली आप ये जानते हो कि आप इस दुनिया में एक हो, बट लेकिन यू डोंट नो, आपको नहीं पता, यानी कि आप ये नहीं जानते हो, यू आर अ वर्ल्ड फॉर समवन, आप किसी के लिए एक दुनिया हो। तो कहने का मतलब ये थॉट है, यू नो दैट यू आर वन इन दिस वर्ल्ड, बट यू डोंट नो यू आर अ वर्ल्ड फॉर समवन। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ ये जानते हो कि आप इस दुनिया में एक हो, पर आप ये नहीं जानते हो कि आप किसी के लिए एक दुनिया हो, यानी कि आप भी एक दुनिया हो, यानी कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने, पेरेंट्स के सपनों को कुचलना नहीं है। पेरेंट के सपने तभी साकार हो सकते हैं जब आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो जैसे इसकी हिंदी बता रखी है कि आप यह जानते हो कि आप इस दुनिया या संसार में एक हो, पर आप यह नहीं जानते हो कि आप किसी के लिए एक संसार हो। बस ये दो थॉट थे, ये थॉट भी आप लर्न कर लेना, और ये प्रैक्टिस फोर जो हैं आपकी टाइप थ्री की इंटरोगेटिव की, इसको भी आपको पढ़ना है। नीचे जोक्स में जो मीनिंग नए आए हैं वो भी लर्न करने हैं, और इनको समझने की कोशिश करनी है। तो यही है आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ये था आपका लेक्चर नंबर 27। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रांसलेशन करते रहिए सेंटेंस को, और इस पेज को बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।